ये कहानी पैट्रिक बैटमैन की है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। वो यहाँ अपने कुछ दिखावे के जिंदगी जीने वाले दोस्तों के साथ बैठा होता है। ये सभी दिखावे की जिंदगी और शो ऑफ करने वाले लोग होते हैं। पैट्रिक को हालांकि ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो फिर भी दिखावे के लिए इनके साथ बैठा हुआ था। अगले दिन हम पैट्रिक को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं, जो कि बिल्कुल सफेद कलर का था। यहाँ हर चीज व्हाइट कलर की होती है, यहाँ तक कि पैट्रिक का कच्चा भी व्हाइट कलर का ही था। शायद हो सकता है कि पैट्रिक को व्हाइटोफोबिया है। इसके बाद पैट्रिक नहाने के लिए जाता है, जहाँ वो अलग अलग प्रोडक्ट यूज करता है, इतने की लड़कियों के ब्यूटी प्रोडक्ट भी इसके प्रोडक्ट के सामने कम पड़ जाए। नहाने के बाद पैट्रिक सिग्मा मेल बनकर म्यूजिक सुनते सुनते ऑफिस पहुंचता है। यहाँ वो अपनी सेक्रेटरी को सारी मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहता है, जिसके बाद पैट्रिक अपनी होने वाली पत्नी के साथ डिनर पर जाता है, जहाँ पता चलता है कि उसकी फियोंसे का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। और अपना पैट्रिक भी किसी से कम नहीं है, उसने अपनी फियोंसे की बहन को ही पटाया हुआ था। अब डिनर के बाद पैट्रिक एटीएम से कुछ पैसे निकालता है, और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि पैट्रिक अपनी बेडशीट को धुलाने के लिए एक वॉशिंग शॉप में आता है। पैट्रिक की चादर पूरी तरह खून में सनी हुई थी, जिस वजह से दुकानदार इस चादर को लेना नहीं चाहती थी, लेकिन पैट्रिक उसे कहता है कि इस चादर में अनार का जूस गिर गया है। इसके बाद पैट्रिक अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर चलने के लिए फोन करता है, लेकिन वो यहाँ उसे मना कर देती है। तो पैट्रिक उसे कहता है कि वो उसे डोर्सिया ले जाएगा। डोर्सिया एक ऐसा होटल था जहाँ दुनिया के सबसे अमीर अमीर लोग खाना खाने के लिए आया करते थे, जैसे कि बिल गेट्स, अंबानी वगैरह वगैरह। लेकिन जब पैट्रिक डोर्सिया में टेबल बुक करने के लिए कॉल करता है, तो वहाँ से सिर्फ हंसने की आवाज आती है, क्योंकि वहाँ की टेबल मिलना पैट्रिक के औकात से बाहर थी। लेकिन फिर भी पैट्रिक अपनी गर्लफ्रेंड को एक दूसरे होटल पर ले जाता है। उसने डेट पर चलने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी शराब पिलाई थी कि वो इस होटल को डोर्सिया समझ रही थी। अगले दिन जब पैट्रिक अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो पैट्रिक उन सबको अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है, ताकि वो लोग उसे कोठी बंगला वाला समझे और उसकी इज्जत करें। लेकिन उसके दोस्त उसका कार्ड देखकर उसकी तारीफ नहीं करते, बल्कि वो अपना कार्ड दिखाने लगते हैं, जो कि पैट्रिक के कार्ड से काफी अच्छे थे, जिन्हें देखकर पैट्रिक को जलन होने लगती है। और जब वो एलन पॉल का कार्ड देखता है, तो पैट्रिक का मुंह जलन के मारे लाल हो जाता है, जिसे शांत करने और अपने मन की भड़ास निकालने के लिए पैट्रिक रात में रास्ते पर एक भिखारी को मार डालता है, जिसके कुछ दिनों बाद क्रिसमस पर पैट्रिक एलन पॉल के साथ डोर्सिया में डिनर करता है। यहाँ एलन पॉल पैट्रिक को मारकस समझ रहा होता है, और वो उसे कहता है कि पैट्रिक की फियोंसे कितनी माल है, पर वो उस चूतिए पैट्रिक के साथ क्या कर रही है, जिसे सुनकर पैट्रिक को बहुत गुस्सा आता है, और वो अपने मन में सोचता है कि तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इसके बाद पैट्रिक पॉल को दारू पिला के अपने अपार्टमेंट में लाता है। पॉल यहाँ पूरी तरह नशे में धुत था। अब पैट्रिक रेनकोट पहनकर म्यूजिक चलाता है, और फिर एक कुल्हाड़ी पकड़कर मूनवॉक करने लग जाता है, जिसके बाद वो उस कुल्हाड़ी को एलन पॉल के सर में घोपकर उसे मार देता है। फिर पैट्रिक उसकी लाश को एक बैग में भरता है और उसे कहीं पर फेंक आता है। इसके बाद पैट्रिक पॉल के घर जाता है और उसके कपड़ों को एक बैग में डालता है और उसे अपने साथ ले गया। वो यहाँ एलन पॉल की आवाज में एक मैसेज भी रिकॉर्ड करता है कि वो लंदन जा रहा है, ताकि पॉल के गायब होने पर यहाँ किसी को शक न हो। जिसके कुछ दिनों बाद पैट्रिक के पास डिटेक्टिव आता है, जो कि उससे एलन पॉल के गायब होने के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था, लेकिन पैट्रिक उसे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद पैट्रिक सड़क से एक प्रोस्टिट्यूट को उठाता है और कॉल करके एक और प्रोस्टिट्यूट को अपने घर लाता है, जहां वो इन दोनों का अपना नाम पॉल एलन बताता है। फिर एक कैमरा लाकर उनको नंगा करके उनकी वीडियो बनाता है, जिसे देखते देखते वो भी उनके साथ पलंग तोड़ने ज्वाइन हो जाता है। लेकिन वो अपना कार्यक्रम करते वक्त भी वो अपनी बॉडी को ही फ्लेक्स करते जा रहा था। जिसके बाद पैट्रिक रात में उठता है और एक डोर में से अपने कुछ टूल निकालता है, जिनसे वो इन दोनों लड़कियों को रात भर टॉर्चर करता है, और सुबह होते ही उन्हें उनकी पेमेंट देकर दफा करता है। इसकी तो यहाँ अलग ही फैंटेसी चल रही है। अब अगले दिन पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी को डेट के लिए पूछता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहोगी। सेक्रेटरी उसे कहीं भी चलने के लिए कहती है, लेकिन पैट्रिक उसे बार बार पूछता रहता है, तो वो डोर्सिया कह देती है। फिर पैट्रिक डोर्सिया फोन मिलाता है, तो इस बार भी डोर्सिया वालों ने हंस कर उसका फोन काट दिया था। लेकिन पैट्रिक सेक्रेटरी को ऐसा दिखाता है कि उसने डोर्सिया में टेबल बुक कर ली है, और फिर उसी रात पैट्रिक सेक्रेटरी को अपने घर पर ले आता है और उसे बात करते करते उसे पीछे से मारने के लिए उसके सर पर एक नेल गन पॉइंट करता है। पर शूट करने से पहले ही उसे उसकी फियोंसे का मैसेज आता है, जिससे सेक्रेटरी को लगता है कि वो अभी भी रिलेशनशिप में है, तो वो यहाँ से चली जाती है। जिसके अगले दिन पैट्रिक डिटेक्टिव के साथ डिनर पर जाता है, जहाँ डिटेक्टिव उसे बताता है कि मुझे एलन पॉल के गायब होने पर उस पर कोई शक नहीं है, जिससे पैट्रिक की जान में जान आती है और वो बहुत खुश होता है। और अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए फिर से रात में वही प्रोस्टिट्यूट को उठाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो
लड़की पहले तो उसे मना करती है पर ज्यादा पैसों के लालच में उसके साथ चली जाती है। पैट्रिक उसे पॉल एलन के घर पर लाता है जहाँ उसने एक लड़की को पहले से ही बुलाया हुआ था। पैट्रिक को थ्रीसम करने में मजा आता था तो वो रात में पहले तो इन दोनों के साथ चूहे को बिल में डालने वाला गेम खेलता है और फिर इससे मन भर जाने के बाद एक लड़की को चादर में ही उसके अंदर मार देता है। ये देखकर दूसरी प्रोस्टिट्यूट भागने लगती है जहाँ उसे भागते भागते अलमारियों में दूसरी लाशें टंगी हुई मिलती है। ये देखकर प्रोस्टिट्यूट की रात में फटी हुई और ज्यादा फट जाती है और वो सीढ़ियों से भागने लगती है, लेकिन पैट्रिक चेनसू लेकर उसका पीछा कर रहा था। वो यहाँ ऊपर से उसके सर पर चेनसू गिरा देता है जिससे प्रोस्टिट्यूट की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देखकर पैट्रिक बहुत खुश होता है। और अब अगले दिन पैट्रिक अपनी फियोंसे के साथ ब्रेकअप कर लेता है। फिर एक एटीएम मशीन पर जाता है जहाँ उसे एक बिल्ली मिलती है। पैट्रिक उसे बहुत प्यार से पकड़ता है और जब वो एटीएम मशीन की स्क्रीन पर देखता है तो उसमें लिखा था कि मुझे बिल्ली खानी है। पैट्रिक बिल्ली को मशीन पर डालते हुए शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इधर एक बुढ़िया आ जाती है जो उसे रोकती है, जिससे अब पैट्रिक का ईगो हट होता है और वो इस बुढ़िया को ही टपका देता है। इसके बाद पैट्रिक के पीछे पुलिस पड़ जाती है। पैट्रिक उनसे भागता है लेकिन पुलिस उसको एक जगह पर घेर लेती है जहाँ अब पैट्रिक पुलिस पर ही गोलियां चला देता है जिससे पुलिस की कार ब्लास्ट हो जाती है और ये देखकर पैट्रिक भी खुद शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद पैट्रिक सीधे अपने ऑफिस जाता है जहाँ वो पहले तो सिक्योरिटी गार्ड को मारता है और फिर सफाई वाले को भी मार देता है। फिर जब वो अपने ऑफिस रूम में पहुंचता है तो बाहर हेलीकॉप्टर से पुलिस उसे घेर रही थी, जिन्हें देखकर पैट्रिक को अपने किए हुए पर अफसोस होता है और वो बचने के लिए अपने लॉयर को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसी ने पॉल एलन को मारा है और साथ ही 30-40 और लोगों को मारा है। जिसके अगले दिन अब पैट्रिक सीधे पॉल एलन के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ की वो लोगों को मारकर टांगा करता था, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो अपार्टमेंट बिल्कुल खाली था और इस अपार्टमेंट को बिल्कुल नया किया हुआ था। पैट्रिक कंफ्यूज था क्योंकि यहाँ उसने अपनी टांगी हुई लाशें रखी हुई थी और पूरा कमरा खून से सना हुआ था, लेकिन यहाँ उसे खून का एक धब्बा भी नहीं मिल रहा था। तभी इधर एक रियल्टर आती है जिसने की इस अपार्टमेंट को सेल पर रखा हुआ था। वो यहाँ पैट्रिक से जाने के लिए कहती है और दोबारा इधर वापिस नहीं आना कहती है। और वहाँ अब ऑफिस में पैट्रिक की सेक्रेटरी को उसके डेस्क पर एक डायरी मिलती है जिसमें कि पैट्रिक ने जितने खून किए थे उन सभी की ड्राइंग बनाई हुई थी, यानी कि जिस तरह से उसने मर्डर किए हुए थे उन सभी की तस्वीर बनाई हुई थी, जिसे देखकर सेक्रेटरी बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ पैट्रिक अपने लॉयर से मिलने के लिए पहुंचता है और यहाँ वो उसे उस रात के कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में पूछता है, लेकिन लॉयर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और पैट्रिक की बातों को मजाक में लेता है। जिसके बाद पैट्रिक एक बार फिर उसके सामने कन्फेस करता है कि उसी ने पॉल एलन को मारा है, पर उसका लॉयर उसे कहता है कि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने 10 दिन पहले ही लंदन में पॉल एलन के साथ डिनर किया था। अब ये जानकर पैट्रिक शॉक में पड़ जाता है और वो सोचता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने मर्डर किए हैं या नहीं। उसे अब ये सारी दुनिया फेक लगने लगी थी क्योंकि उसकी रियलिटी को मानना ही नहीं चाहती है। लेकिन हम अगर उसकी सोच से बाहर आकर सोचे तो पैट्रिक ने ये सारे मर्डर्स अपनी इमेजिनेशन में किए हुए थे क्योंकि वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि कोई उसके सामने ज्यादा हीरो बने। अब क्योंकि पैट्रिक उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, इसलिए जो भी उसका ईगो हट करता था वो उन्हें अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट कर लेता था और उन्हें बड़ी बेरहमी से मारने के बारे में सोचता था, पर बाद में वो अपनी इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना भूल गया, जिससे हमें पता चलता है कि पैट्रिक को मेंटली डिसऑर्डर है और वो एक साइको है। सिग्मा मेल बनने का तरीका ही यही है कि तुम एक साइको बन जाओ, वो बात अलग है कि लोग तुम्हें रियलिटी में चूतिया समझेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि पैट्रिक ने वो मर्डर अपनी इमेजिनेशन में किए या फिर रियलिटी में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना।